मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर्स का वार्ड संयोजन व सह संयोजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जन अभियान परिषद के सदस्य समाज और शासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य कर रही है। जन अभियान परिषद के सदस्य संक्रमित लोगों तक पहुंच रहे हैं और समाज को आत्मबल प्रदान कर रहे हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही कोरोना वॉलेंटियर्स को प्रतीकात्मक किट भी वितरण की गई। कोरोना काल में दो तरह से हमको काम करना पड़ रहा है कि अगर कोई बीमार है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा इलाज कराएं, आवश्यक किट दें और हम उसको अपनी ज़िंदगी को बचाने के सारे प्रबंधन करें। लेकिन जो बीमार नहीं है उसका वैक्सीनेशन करें, वहाँ के संबंध में बात रखें। इस दृष्टि से एक अभियान लगाया है और ये जिला स्तर पर जन अभियान परिषद की बॉडी ने उज्जैन जिले के अंदर अपने वार्डों में गाँवों के अंदर जो वॉरियर्स लगाए हैं उनको एक एक व्यक्ति का सम्मान भी किया है और उनको लगातार प्रेरित किया है। उनके साथ हमारी अंत्योदय समिति है, वार्डों की समिति है, ये कुल मिलाकर के गठन करके हम ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोगों को लग करके इस कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। COVID-19 का जो खतरा है इसको मिलजुल करके निपट सकते हैं तो समाज की ताकत के साथ सरकार की ताकत लग जाए। इस दृष्टि से आज कोरोना वॉरियर्स जन अभियान परिषद ने बुलाए हैं। जन अभियान परिषद के द्वारा कोरोना वॉरंटियर के सभी सदस्यों को बुलाया गया है और इनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है और उनका आभार भी व्यक्त किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो उनकी मंशा थी कि ये ऐसा अवसर है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, तो वास्तव में आज मैं जन अभियान परिषद को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी सेवा में लगे हुए हैं और मानव समाज की वो सेवा कर रहे हैं। वास्तव में वो शुभकामना और साधुवाद के पात्र।